नमस्कार, गुट्टे की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टे की पोटली। आज मैं आपके लिए एक रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन दिखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। ये केवल दो फंदों का ही डिज़ाइन है और चार सिलाइयों पे बनाया जाने वाला डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों की स्वेटर, स्कार्फ, कहीं पर भी कर सकते हैं। दो फंदों का डिज़ाइन होने के साथ साथ केवल चार सिलाई का डिज़ाइन है। चार सिलाई में भी ये चौथी सिलाई जो है केवल उल्टी उल्टी बनती है, तो डिज़ाइन केवल तीन सिलाई का ही रह जाता है। इस डिज़ाइन में हमने केवल सीधे फंदे और उल्टे फंदों का ही प्रयोग किया है। जिन लोगों को केवल सीधा और उल्टा बनाना आता हो, वो लोग भी इस डिज़ाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको दो के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, तो इसमें किनारे की कोई ज़रूरत नहीं है। जब दो के मल्टीपल में फंदे डाले, चाहे आप किनारे पर एक फंदा रख लें, चाहे दो दो फंदे रख लें, डिज़ाइन फिर भी बन जाएगा। तो आइए हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहले एक फंदा सीधा, ये हमारा किनारे का है, दो फंदे छोड़कर, एक और दो फंदे छोड़कर यहाँ से हम सिलाई को डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। कोई धागा बीच में नहीं आना चाहिए और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये थोड़ा ढीला सा बनाएंगे और इसके ऊपर हाथ रखकर इन दो फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे और पीछे से निकाल लेंगे और एक फंदा हम फिर से बना लेंगे। फिर से हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये दो फंदे छोड़कर इस गैप के बीच में हमको सिलाई डालनी है। ये यहाँ से एक फंदा हमने बना लिया, बढ़ा लिया। इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसके ऊपर उंगली रख लेंगे, दबा लेंगे इसको। दो फंदों में सिलाई आगे से पहले निकालेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर से पहले के दो फंदे छोड़कर यहाँ से सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकाल लेंगे, इसके ऊपर उंगली रख लेंगे, दबा लेंगे, दो फंदों का एक फंदा हम फिर से बना लेंगे। शुरुआती दौर में यहाँ से हमें धागा निकालने में मुश्किल होती है हल्की सी, लेकिन जैसे जैसे आप बनाएंगे, दो या तीन बार में ही हाथ सेट हो जाता है, फिर किसी तरीके का हमको मुश्किल नहीं आती। इसके ऊपर उंगली रख लेंगे, इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम अपनी ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए, आखिर तक हमने बना लिया, आखिर का फंदा हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड में पहला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ये किनारे का फंदा है। धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये जो दो दो फंदों के सेट हैं उसमें पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, दूसरा फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागा दूसरी तरफ कर देंगे, एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी सारे के सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है, तो पहले हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। आखिर का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। इस फंदे को हमने उतार लिया है बिना बुने, और आखिर का फंदा हम उल्टा उतार लेंगे। अब हम डिज़ाइन की तीसरी सिलाई शुरू करेंगे। तीसरी सिलाई बनाने के लिए पहला फंदा हम पहले की तरह हमेशा की तरह बुन लेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे। धागा अपनी ओर करके पहला फंदा सीधा बनाएंगे। इसके ऊपर सिलाई के ऊपर जाली डालते हुए हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन आप देखिए मैंने गैप ज़्यादा रखा है, ये हमको ढीला ढीला ही बनाना है। आगे भी हम इसको ढीला ही बना, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करके इस फंदे को, इस धागे को इसके ऊपर पलट देंगे। हमारा फंदा आखिर का उल्टा था, धागा हम अपनी ओर कर लेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करके इस तीसरे फंदे को, एक दो तीन जो हमने धागा लपेटा था, इसके ऊपर पलट देंगे, छोड़ देंगे। फिर से धागा अपनी ओर कर लेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करके तीसरे फंदे को, एक दो तीन जो हमने सिलाई के ऊपर लपेटा था, इसको हम दो फंदों के ऊपर पलट देंगे। फिर से धागा अपनी ओर करके एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये गैप आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, ताकि ये जो धागा हमने लपेटा है ये थोड़ा सा ढीला आए। ढीले आने पर ही इसकी खूबसूरती आएगी। अगर हम कस देंगे, एक तो ये उठेगा नहीं और दूसरा ये इसकी खूबसूरती नहीं आएगी। तो पहले हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। तीन सिलाई तक हमने बना लिया है, अब हम इसकी रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड, ये जो अब डिज़ाइन की हम चौथी सिलाई बनाएंगे, ये हमको सारी की सारी उल्टी उल्टी बनानी है। चौथी सिलाई में हमको कुछ नहीं करना, इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन की चार सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। रिपीट पहले की तरह ही करेंगे, एक फंदा सीधा, ये किनारे का फंदा, दो फंदे छोड़कर यहाँ से हम आगे से सिलाई डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, एक फंदा सीधा, दोनों फंदे सीधे बनाएंगे। इसको लंबा सा लेना है, ढीला सा लेना है, इसके ऊपर उंगली रख लेंगे और फिर यहाँ से हम एक फंदा निकाल लेंगे। फिर से दो फंदे छोड़कर इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को रिपीट करते चले जाएंगे, और जितना भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उतना डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन आपको हल्का सा ढीले ढीले बनाना है। देखिए डिज़ाइन बनकर कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स
ज़रूर करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड्डे की पोटली में जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डे की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।